हमास के हमले के बाद इसराइल ने जंग का ऐलान कर बदले की जो कार्रवाई की वो आतंकी संगठन हमास सहित फिलिस्तीन पर भारी पड़ती दिखी। इस जंग में अब तक दोनों तरफ के करीब 1600 लोगों की जान चली गई है। और जंग की इस काली रात का अंत कब होगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन जंग के दौरान घोप अंधेरी रात में गाजा का क्या हाल हुआ तस्वीरें उसकी सबूत हैं। सियाह रात को चीरती विध्वंस की रोशनी और मिसाइल के गिरने से उठती बारूदी लपटों के साथ होने वाले धमाकों की आवाज पूरे गाजा के लोगों के लिए मौत का संदेश देने वाली साबित हुई। इन धमाकों के बाद लपटों के गिरने और आसमान की तरफ बढ़ते गुबार को देखने की हिम्मत तक करने वाला कोई नहीं। जाहिर है उस खास रात की कल्पना जैसी भी हो, हकीकत में तो यही कयामत की रात सी दिखी। और ये सब चौंकाने वाला तो कतई नहीं। हमास के हमले के बाद इसराइल की चुप्पी टूटती उससे पहले ही पूरी दुनिया उसके अगले कदम को भांप चुकी थी, क्योंकि जब सिर पर बदले का जुनून सवार हो तो जैसे को तैसा ही मंत्र बन जाता है। इसलिए गाजा की तस्वीरों के सामने आने के बाद जब सोमवार को फिलिस्तीन की तरफ से करीब 700 लोगों की मौत और 4000 के घायल होने के दावे किए गए तो किसी को हैरानी नहीं हुई। और कहर वाली रात के बाद तबाही के उजाले में जारी जंग के तमाम दावे सही साबित होते दिखे, क्योंकि गाजा के आसमान से बारिश की बूंदों की तरह बरसते बम के गोले जमीन पर बर्बादी के शोले बनकर गिरते और वहां से उठता धुआं शमशान जैसा। चूंकि इसराइल की पहचान दुश्मन को उसी के अंदाज में जवाब देने की है, इसलिए हमास के आतंकी हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई का अंदाज उससे भी घातक रहा। कारपेट बॉम्बिंग से लेकर मिसाइल अटैक तक सब कुछ। इसलिए आसमान से उसकी नजर एक एक आतंकी पर रही और गाजा में जान बचाने के लिए भागते आतंकियों को चुन चुन कर निशाना बनाने का सिलसिला शुरू हो गया। हमास ज़िदाइश ונכריע אותו בדיוק כפי שהעולם הנאור הכריע את דאעש। तेवर से साफ है कि इसराइल अब हमास को बख्शने के मूड में नहीं, इसलिए आसमान के साथ ही समंदर से भी हमास पर नजर रखी जाने लगी। और गाजा पट्टी के तट से नौसैनिक उसकी तबाही की स्क्रिप्ट तो लिखते दिखे ही, साथ ही आसमान से भी हमास की नावों की पहचान कर उसे जल समाधि दी जाने लगी। इस तेवर और हमले के इस तरीके का ही नतीजा रहा कि इसराइल की सेना ने बॉर्डर पर हमास के करीब 1500 आतंकवादियों के शव मिलने का दावा किया। इसराइल की सेना के मुताबिक देश के दक्षिणी हिस्से पर भी उन्होंने दोबारा कब्जा पा लिया। भले ही ताजे विवाद की शुरुआत हमास ने की, लेकिन इसराइल अब इसे अंजाम पर पहुंचाने पर आमादा दिखा। तभी तो रिमल और खान यूनिस में हमास के 200 अड्डों की पहचान कर उसे मिट्टी में मिलाया जाने लगा। आतंकी अड्डे मस्जिद के पास हों या रिहायशी इलाकों में, इसराइल इस मूड में नजर आया कि मिटाना है तो मिटाना है। अंदाज कुछ ऐसा कि हमास के अड्डे धुआं धुआं। चूंकि इसराइल ने हमास को जड़ से खत्म करने की सौगंध ले ली, इसलिए आतंकी संगठन से जुड़े तमाम ठिकानों पर चौतरफा हमला शुरू हो गया। इसराइल को अपने तेज तर्रार खुफिया एजेंसी से हमास के आतंकी अड्डों की जानकारी पहले ही मिल गई थी। इसलिए गाजा के पौश इलाके रिमल में ऐसे अड्डों पर तबाही के बम ताबड़तोड़ गिरने लगे। कुछ ही देर में पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया और जब धुआं छटा तो जगह जगह मलबा और जान बचाने के लिए भागते लोग दिखे। हर तरफ अफरा तफरी दिखी। गाजा के ज्यादातर आतंकी ठिकाने इसराइल के एयर स्ट्राइक से मटियामेट होते नजर आए। और जब हमले इतने घातक हों तो सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में गाजा लाल और काले रंगों में वैसा ही दिखा जिसका अंदेशा था। जाहिर है इसराइल के हमले में गाजा के हालात बेहद भयावह हो गए। आसमान से गाजा इलाके की सूरत जितनी खौफनाक दिखी, जमीन पर हालात उससे भी बुरे नजर आने लगे। जिसकी गवाही गाजा के खान यूनिस शहर के मुर्दा घर में देखने को मिली, जहां इसराइल के हमले के बाद मलबों में दबे शव निकालकर पहुंचाए जाते दिखे, लेकिन शव ही इतने जमा हो गए कि उन्हें रखने की जगह तक नहीं बची। ज्यादा शव हुए तो कुछ फर्श पर रखने पड़े, कई शवों को तो सफेद चादर में लपेटा गया, लेकिन उससे ज्यादा ऐसे शव नजर आए जिन्हें चादर तक नसीब नहीं हुई। लापता लोगों को खोजने मुर्दा घर पहुंचने वाले अपनों के शव मिलने पर उसे ले जाते दिखे।
बदले हालात में मुर्दा घर के बाहर अचानक भीड़ बढ़ गई। बताया गया कि इसराइल की बमबारी में फिलिस्तीन के दो पत्रकारों की भी मौत हो गई। हमास ने धमकी दी है कि अगर गाजा में इसराइल ने हमले बंद नहीं किए तो वो हर हमले के बाद एक इजरायली बंधक को मारना शुरू कर देंगे। हमास का कहना है कि वो बंधकों के बदले इसराइल और अमेरिका में बंद फिलिस्तीनियों की रिहाई की मांग करेंगे। हमास के सीनियर नेता अली बरकेह ने ब्रिटेन के अखबार गार्जियन को दिए इंटरव्यू में कहा कि कई फिलिस्तीनियों को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। उन पर गाजा में घिरे लोगों का समर्थन करने और गाजा में अनाथों की मदद के लिए चैरिटी संगठन चलाने का आरोप था, इसलिए अमेरिका ने इसराइल के अनुरोध पर गिरफ्तार कर उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। हम उन फिलिस्तीनियों की रिहाई की मांग करेंगे। अली बरकेह का ये भी दावा है कि वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार होकर आए हैं। उनके पास हथियारों और रसद की इतनी सप्लाई है कि वो महीनों तक लड़ सकते हैं। इसराइल के मुताबिक हमलावरों ने इस रेव पार्टी में शामिल 260 लोगों की हत्या की है। हमले के बाद यहां ड्रोन से ली गई तबाही की तस्वीरें भी भयावह हैं, जिसमें पार्टी के वेन्यू के बाहर लोगों की कारें सड़क पर दोनों तरफ खड़ी हुई हैं। इसमें कई कारें हमास के हमले में जलकर नष्ट हो चुकी हैं। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें एक कार सवार रेव पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। उसके डैश कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे ही वो पार्टी की जगह पर पहुंचा है, उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो कार की स्पीड को कम कर देता है, तभी उसकी कार की तरफ फायरिंग होती है। कार का शीशा क्रैक हो जाता है और वो कार को रोक देता है। गाजा में इसराइल हमले का नया वीडियो, गाजा में इसराइल के हवाई हमले जारी है, उसका सामने आया है। हमास के ठिकानों पर इसराइल का हमला लगातार जारी है। तो गाजा में इसराइल ने जो हमला बोला है इसराइली फौज ने, वो एक नया वीडियो अब सामने आया है। ये वीडियो आप देखिए, काला उठता हुआ धुआं बयान करता हुआ कि हमला कितना भयानक था। इसराइल में गाजा पट्टी में पानी, बिजली और फ्यूल की सप्लाई को रोक दिया गया है। हमास आतंकियों से जारी युद्ध के बीच इसराइल ने एक और बड़ा कदम उठाया है। इसराइल ने गाजा पट्टी में बिजली, पानी, राशन और फ्यूल की सप्लाई पूरी तरह से रोक दी है। वहीं इसराइल के रक्षा मंत्री ने अपने सैनिकों को गाजा पट्टी पर पूर्ण नियंत्रण करने का आदेश दिया है। इसराइल हमास युद्ध के बीच इसराइल ने हमास के करीब 435 क्रिप्टो करेंसी वाले खातों को फ्रीज कर दिया है। इसराइल की तरफ से दावा किया गया है कि इन खातों का इस्तेमाल हमास आतंकी पैसे जुटाने के लिए करते थे। इसराइल में घुसे हमास आतंकियों से मुठभेड़ के साथ साथ इसराइली सेना राहत बचाव में भी जुटी है। इसराइली सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो हमास आतंकियों के कब्जे से आम लोगों और सेना के जवानों को छुड़ाते हुए दिख रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में सोमवार को हुई भीषण झड़प के बाद आज शांति रही। सुबह से सड़कों पर सन्नाटा रहा, वहीं स्कूल और दुकानें भी बंद थीं। सोमवार को इसराइली डिफेंस फोर्स की गोलीबारी में लेबनान में कम से कम 3 हिजबुल्ला आतंकी मारे गए थे। हमास इसराइल पर मिसाइलों से भी हमला कर रहा है। इन मिसाइलों को वो सुरंगों में छिपा कर रखता है। सुरंग में मिसाइल के जखीरे को छिपाने के तरीके को देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जमीन के नीचे एक संकरी पतली सी सुरंग की दीवारों पर मिसाइलों को टांग कर छिपाया गया है। ऐसी एक नहीं, दर्जनों मिसाइलों को सुरंग में इसी तरह जमा करके रखा गया है। इन मिसाइलों को हमास के सहयोगी संगठन फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद ने जमा किया है। इस वीडियो को खुद फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद ने जारी किया है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सुरंग के अंदर से ही मिसाइलों को लोड कर दागा भी जा सकता है। वीडियो में बकायदा इस्लामिक जिहाद के लड़ाके मिसाइल को फायर भी करते हैं। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद एक सुन्नी इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है जिसके सदस्यों की हमास के बाद सबसे ज्यादा संख्या है। इसराइल के खिलाफ जंग में दोनों साथ साथ हैं। गाजा पट्टी पर इसराइल के ताबड़तोड़ हवाई हमलों से निपटने के लिए हमास ने भी अपना नया एरियल डिफेंस सिस्टम तैयार किया है, और उसने दावा किया है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से देसी है और उन्होंने उसे खुद तैयार किया है। हमास के अल कासम ब्रिगेड ने अपने वेबसाइट पर एयर डिफेंस सिस्टम मेटबार 1 का वीडियो भी जारी किया है। इसमें नकाबपोश लोग कंधे पर मेटबार 1 को रखकर इजरायली मिसाइलों को निशाना बना रहे हैं। हमास का कहना है कि उसने इजरायली हमलों को नाकाम करने के लिए मेटबार 1 को एक्टिवेट कर दिया है।